तत्काल टिकट बुक करने के लिए आपको दोस्तों साइट को पहले से यहाँ पर रेडी करके रखना है, और यहाँ पर आपको अपने गूगल या क्रोम ब्राउज़र में आना है और यहाँ पर IRCTC डालकर सर्च करना है। जैसे ही आप यहाँ पर IRCTC डालकर सर्च करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे ऊपर की ओर IRCTC नेक्स्ट जनरेशन टिकट सिस्टम पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर बुक टिकट का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर दिखेगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर ट्रेन जो है यहाँ पर सर्च करना है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही दोस्तों आपसे अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल देना है, और यहाँ पर आईडी को सबसे पहले जो है लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम जो यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पर दोस्तों आईडी को जो है लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको ये काम जो 11 बजे से पहले ही रेडी करके रखना है, और इसके बाद दोस्तों हमारी आईडी जो है दोस्तों वो यहाँ पर लॉगिन हो चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें जो ट्रेन है दोस्तों वो यहाँ पर सर्च कर लेनी है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ, तत्काल मोड यहाँ पर दोस्तों आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा आपको वेट करना रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको प्लीज पैड का ऑप्शन यहाँ पर एक दिख रहा है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो मेरी जो ट्रेन है दोस्तों वो यहाँ पर खुल गई है, और यहाँ पर दोस्तों आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर स्लीपर क्लास हमें चुनना है। तो यहाँ पर दोस्तों अवेलेबल सीट दिखा रहा है 151। तो यहाँ पर दोस्तों तत्काल साइट दोस्तों ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्लिक करके बुक नाउ करना है। इसके बाद दोस्तों जो पैसेंजर डिटेल है दोस्तों वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो पैसेंजर डिटेल है वो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप एज और मेल फीमेल जो भी है चुन लेंगे, और क्लास भी दोस्तों यहाँ पर आपको चुन लेना है, साइड लबर पर जो भी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो मोबाइल नंबर है दोस्तों वो यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पेमेंट मोड चुन लेना, आप किस मोड से पेमेंट करना चाहते हो, ATM डेबिट कार्ड जो भी है पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों भीम UPI से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपकी डिटेल जो यहाँ पर शो हो जाएगी, और यहाँ पर आपको कहाँ से कहाँ तक के लिए टिकट करना है वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डाल देना है, और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएंगे, तो यहाँ मल्टीपल पेमेंट चुनना है, और यहाँ पर पेटीएम UPI चुन लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पेटीएम का ऑप्शन है जो वो यहाँ पर खुल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मोबाइल नंबर डाल के OTP जो है सर्च भेज देना है। अब यहाँ पर जो OTP जो रजिस्टर फ़ोन नंबर पर आपके चला जाएगा। OTP डालकर यहाँ पर आपको तो कंटिन्यू करना है, और यहाँ पर दोस्तों प्रोसीड कर देना है। तो रिक्वेस्ट जो पेटीएम पे यहाँ पर पहुँच जाएगी, और वहाँ से दोस्तों आपको जो है पेमेंट कर देना है। अपने ऐप को जो दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पर ओपन करके रखना है। जिससे कि दोस्तों पेमेंट जल्द से जल्द हो सके। अब यहाँ पर दोस्तों पेमेंट जो हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है, और यहाँ पर दोस्तों टिकट जो है दोस्तों यहाँ पर कंफर्म हो चुका है, जैसा कि आप दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप तत्काल टिकट जो है अपने मोबाइल या लैपटॉप से बड़ी आसानी से बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो दोस्तों आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।